हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में। इसकी फुल प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। बाय मिस्टेक फर्स्ट जो दो लेक्चर्स थे वो डिलीट हो गए थे, तो इसी के लिए मैं इनको वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में। देखो, शॉर्ट हैंड नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ शॉर्ट किया गया, लिखने का जो मेथड है उसको शॉर्ट किया गया, उसी को हम शॉर्ट हैंड कहेंगे। वो कैसे? शॉर्ट एब्रीवेशंस और सिंबल्स की हेल्प से, ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज जो है वो क्रिएट किएगी जिससे हम जल्दी से जल्दी लिख सकें। क्योंकि इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो वो अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप उतनी फास्ट नहीं लिख सकते। आप जितना भी मर्जी कोई फाइटर होगा वो जल्दी से जल्दी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं ले सकता। इसलिए जो है वो शॉर्ट हैंड का जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वेंशन हुई, जिससे हम अगर हमें कोई डिक्टेशन वगैरह कोई दे रहा है या कुछ बोल रहा है स्पीड में तो उसको हम जल्दी जल्दी लिख सकें। तो उसी के लिए जो है वो शॉर्ट हैंड की एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वेंशन हुई है। तो ये हुई थी बाय सर इसैक पिटमैन के द्वारा, ठीक है, 1837 के आसपास। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो उसको हम लॉन्ग हैंड कहते हैं। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो उसको हम कहेंगे वो लॉन्ग हैंड में लिख रहा है। लेकिन आप अगर वही आप सिंबल्स और एब्रीवेशंस की हेल्प से लिखोगे तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट हैंड। इसको लॉन्ग हैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पूरा अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे लिखने के लिए। शॉर्ट हैंड इसको इसलिए कहेंगे कि हम लिखने के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स और एब्रीवेशंस यूज़ करेंगे सो दैट कि हम जल्दी जल्दी लिख सकें। ठीक है, सो इसीलिए इसका यूज़ जो है वो आज इतना बढ़ गया होगा। उसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स जो वो क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी को एक ही चीज़ समझते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। शॉर्ट हैंड हुई कि हम किसी भी पैराग्राफ या कुछ आपको डिक्टेशन दी उसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट हैंड। लेकिन देखो, अगर उसी लिखी हुई शॉर्ट हैंड को हमने फिर से ट्रांसक्राइब किया, इसको हम कहेंगे ट्रांसक्राइब। यानी कि शॉर्ट हैंड को फिर से हमने इंग्लिश में चेंज करके अपने टाइपराइटर में लिखा या अपने कंप्यूटर में लिखा तो उसको पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे स्टेनोग्राफी। ठीक है, शॉर्ट हैंड हुई जो हमने उसको सिर्फ लैंग्वेज में लिखा, शॉर्ट हैंड जो लैंग्वेज हम कह रहे हैं उसमें अगर लिखा उसको हम कहेंगे शॉर्ट हैंड। लेकिन अगर उसी जो अपने सिंबल्स और एब्रीवेशन की मदद से जो अपने लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी मटेरियल आपने लिखा हो उसी को अगर आप फिर से इंग्लिश में चेंज करके, ठीक है, इंग्लिश में चेंज करके आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो उसको हम कहेंगे स्टेनोग्राफी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अब मैंने आपको बता दिया कि पिटमैन ने इसको 1837 में क्या किया था, ठीक है, डिवाइस किया था। उसी के बाद 1888 में जॉन आर ग्रेग, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, ग्रेग लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट की, ठीक है, उसी के साथ साथ। लेकिन आप मेजॉरिटी में देखो तो पिटमैन ही यूज़ होती है। अगर हम JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिटमैन जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है ग्रेग के मुकाबले में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेनोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलके बनी हुई है। पहला है हमारा, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है, ये ग्रीक वर्ड्स। पहला है हमारा स्टेनोस और दूसरा है हमारा ग्रेफीन, ठीक है। स्टेनोस का मतलब वो नैरो यानी आप शॉर्ट कह सकते हैं, ठीक है, और ग्रेफीन होता है टू राइट, ठीक है। शॉर्ट करके लिखने के मेथड को ही हम स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड कहेंगे, ठीक है। इसको स्टेनोग्राफी का दूसरा नाम जो है वो इसको हम कहते हैं ब्रैकीग्राफी, ठीक है, ये एन ई है, ये है ब्रैकीग्राफी, या इसको हम कहेंगे टैकीग्राफी,
ब्रैकीग्राफी या टैकीग्राफी। ब्रैकी ब्रैकी का मतलब होता है शॉर्ट और टैकी का मतलब होता है स्विफ्ट, स्विफ्ट या इसको कह सकते हैं स्पीड में लिखने के लिए, ठीक है। ब्रैकीग्राफी का मतलब जो भी हमें पैराग्राफ या कुछ दिया या डिक्टेशन दी उसको हम शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट का मतलब है यहाँ स्पीड में कैसे लिख सकते हैं। उसी तरह टैकीग्राफी का मतलब है स्विफ्ट, यानी उसी को हम स्पीड में कैसे लिखेंगे। तो ये सब स्टेनोग्राफी को ब्रैकीग्राफी और टैकीग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, इन तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कॉन्सोनेंट और वावल से मिलकर बनी हुई है, उसी सेम तरह से ही जो पिटमैन की शॉर्ट हैंड है वो भी कॉन्सोनेंट, वावल्स और डिपथोंग्स। डिपथोंग्स मतलब ये आगे चल के आपको पता लगेगा, डिपथोंग मतलब दो वावल अगर इकट्ठे यूज़ हों तो कैसे हम यूज़ करेंगे उनको, तो उसको डिपथोंग कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसी तरह कॉन्सोनेंट यहाँ यूज़ होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट का यहाँ यूज़ होता है, यहाँ 12 वावल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वावल्स को यूज़ किया है लेकिन यहाँ पे 12 वावल्स का यूज़ किया जाता है, डिपथोंग यहाँ पे 4 डिपथोंग्स होते हैं। तो इन्हीं से मिलके जो है वो पिटमैन की जो शॉर्ट हैंड है वो बनी हुई है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा, यहाँ हमारे पास हम आज पढ़ेंगे 6 कॉन्सोनेंट्स के बारे में, ठीक है। ये हमारे 6 कॉन्सोनेंट हैं। तो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट हो या वावल हो उनको हम कहते हैं स्ट्रोक्स, ठीक है। उनको स्ट्रोक्स के नाम से पुकारा जाता है। कुछ स्ट्रोक हमारे होते हैं स्ट्रेट, जैसे कि ये हम पढ़ेंगे आज जो स्ट्रेट स्ट्रोक है, स्ट्रेट मतलब सीधे, ठीक है, सीधे यानी कोई कर्व वगैरह कुछ नहीं होगा। कुछ स्ट्रोक हमारे होते हैं कर्व, जो कि हम नेक्स्ट की वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारे जो 6 स्ट्रोक्स होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं, पी बी टी डी चा सी एच या जे, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। पी मतलब इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, पी बी बी इस तरह से, टी टी इस तरह से, डी डी, ये सी एच को हम चा कहेंगे, जे को जा, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। यूज़ इनका कैसे होगा, जैसे पी पा है तो पे लिखने के लिए इस पी का यूज़ होगा इस तरह से, ठीक है। जैसे एप में पी यूज़ हो रहा है, बी के लिए बे में बी यूज़ हो रहा है, बी, ठीक है। इसी तरह यहाँ तक देखें तो आप जे में जस्ट या एज, एज में जा यूज़ हो रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड जो भी बनेंगे वो इन्हीं कॉन्सोनेंट से बनेंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये कॉन्सोनेंट हम लिखेंगे कैसे। देखो सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट है वो हम इस तरह से लिखेंगे, या इसको स्ट्रोक्स भी हम कहें, तो इस तरह से पा, पा का जो सिंबल है वो इस तरह से है, ठीक है, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे दो तरह के जो हैं कॉन्सोनेंट होंगे और दो तरह के जो हैं वो कर्व्ड स्ट्रोक्स होंगी या वॉवल्स होंगे आप कह सकते हैं, ठीक है। एक होगा हमारा सबसे पहला जो है वो जिसमें हम लाइट पेंसिल या पेन का यूज़ करेंगे, दूसरे हमारे होंगे जिसमें हम जो है वो डार्क, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ा स्ट्रेस दे के हम स्ट्रोक्स का यूज़ करेंगे। लाइट और डार्क का मतलब ये है कि जैसे हम पा लिख रहे हैं ना, इसको हम हल्की पेंसिल से लिखेंगे इस तरह से, थोड़ा लाइट, ठीक है। अगर बा लिखना होगा, पा में थोड़ी लिटिल साउंड यूज़ हो रही है लेकिन बा जो है वो इसमें स्ट्रेस पड़ रहा है, इस वर्ड में स्ट्रेस पड़ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा डार्क, डार्क को यूज़ करेंगे, डार्क, ठीक है। ये तो मेरे पास पेन है, इससे डार्क तो नहीं हो रहा इस तरह दबाने से, लेकिन 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 जब आप पेंसिल से यूज़ करोगे और प्रेस करोगे ज़्यादा तो वो आपकी जो स्ट्रोक होगा वो डार्क होगा, ठीक है, इस तरह से डार्क होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये इसकी लेंथ जो है वो स्टार्टिंग में तो आप बड़ी ही यूज़ करेंगे लेकिन होती है 1/6 ऑफ इंच, ठीक है, एक इंच के 1/6 के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अब स्टार्टिंग में जो बिगिनर हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ तक भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरह छोटी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी यूज़ करेंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी बिगनिंग में, जैसे जैसे आप जो है वो यूज़ इसका करते जाएंगे तो वो आपका जो साइज़ है इसका छोटा होता जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी आप यूज़ करो क्योंकि जितना स्मॉल साइज़ होगा आपके स्ट्रोक्स का उतनी ही आप जल्दी लिखोगे, नेक्स्ट वर्ड जल्दी लिखोगे और आपकी स्पीड जो है वो जल्दी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आप जो है वो बड़े स्ट्रोक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे
स्ट्रोक्स को लिखने के लिए दो तरह से लिखा जाता है, यानी दो तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो हो गया हमारा लाइट और हो गया डार्क, ठीक है। लाइट और डार्क से ही हम पहचानेंगे कि वो पी है बी है, पी है या बी है, टी है या डी है, सी एच आ है या जा है, ठीक है। ये हमारा आ गया पा लाइट स्ट्रोक से, ठीक है। अगर मैं बा लिखूं तो ये हमारा आएगा बा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं लिखूं टा, तो टा हमारा आ गया इस तरह से लाइट, ठीक है। और अगर मुझे डा लिखना होगा तो डार्क में लिखूंगा डार्क इस तरह से, ये आ गया हमारा डार्क डी, ठीक है। और अगर मुझे लिखना होगा चा सी एच, तो सी एच के लिए मैं इस तरह से यूज़ करूँगा, ये सी है लाइट स्ट्रोक। और अगर मुझे जा यूज़ करना होगा तो जा के लिए मैं लाइट सॉरी डार्क यूज़ करूँगा इस तरह से, ये डार्क। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये डार्क और लाइट से ही आपको पता लगेगा कि ये पी है या बी है। पी के लिए हम लाइट स्ट्रोक यूज़ करेंगे, बी के लिए हम डार्क स्ट्रोक यूज़ करेंगे, टी के लिए लाइट, डी के लिए डार्क, चा के लिए लाइट, जा के लिए डार्क। आपको आवाज़ से ही पता लगेगा कि ये लाइट इसकी साउंड थोड़ी लाइट है या हैवी है। हैवी हैवी साउंड के लिए हैवी स्ट्रोक, लाइट साउंड के लिए लाइट स्ट्रोक, ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये आप याद रखें। पहले जो छः हमारे कंसोनेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से जिस डायरेक्शन में आपको कुरान अपने इसी डायरेक्शन में लें, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये आपका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपको मैंने बताया इसी डायरेक्शन में आपको जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये जो इस तरह से हम यूज़ करें ये आए कहाँ से, तो ये कहीं से नहीं आए, ये इन्होंने यहीं से निकाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये एक हमारा सर्कल आ गया, इस पर हम अगर दो इस तरह से डायमीटर बना दें और एक ये सर्कल ले लें और इस पर हम इस तरह से क्रॉस में डायमीटर ले लें, तो ये वहीं से लिए गए। ये पा जो है वो ये हमारा आ गया बा, ठीक है। ये टा है तो ये हमारा यहाँ से आ गया, ये इन्होंने इतना स्ट्रोक ले लिया टा। अगर हम चा लिखें, ये चा देखें तो चा हमारा यहाँ से आया है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ से ये स्ट्रोक जो है वो ड्राइव किए हुए हैं कि ये कहीं बाहर से नहीं आए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं इनको तीन प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और हम थर्ड प्लेस, ठीक है। तो ये प्लेसेस कौन सी होती हैं, हमने आज जो पढ़ी है वो फर्स्ट प्लेस है, सॉरी सेकंड प्लेस है, ठीक है। सेकंड ये फर्स्ट प्लेस है, ये होगी हमारी अबव द लाइन, ठीक है। लाइन से ऊपर जब हम बनाएंगे, ठीक है, लाइन से ऊपर जब भी हम कोई स्ट्रोक बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो वो जो स्ट्रोक होंगे वो हमारे फर्स्ट प्लेस पे होंगे, ठीक है, लाइन से ऊपर, ठीक है। इतना ऊपर अगर लाइन से हम कोई भी स्ट्रोक बना रहे हैं तो वो होगा हमारा फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड प्लेस जो हमने आज पढ़ी है, बिल्कुल लाइन के ऊपर अगर इस तरह से हम कोई स्ट्रोक बना रहे हैं, बिल्कुल हमारी लाइन जो दी होगी इस तरह से, इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई स्ट्रोक बना रहे हैं तो वो सेकंड प्लेस होगी। थर्ड प्लेस जो हमारी है वो है अगर लाइन के नीचे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, लाइन को काट के नीचे, मतलब दोनों लाइन के सेंटर में लाइन को काटते हुए, मेन जो हमारी लाइन है इस लाइन को काटते हुए जब हम कोई स्ट्रोक बनाएंगे तो हमारी थर्ड प्लेस होगी। ये हमारी आई फर्स्ट प्लेस, ये हमारी सेकंड और ये हमारी थर्ड, ये हमारी फर्स्ट प्लेस, ये हमारी सेकंड प्लेस और ये अगर लाइन को कट करेंगे तो थर्ड प्लेस। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। ये आपकी मेन लाइन है, इस मेन लाइन के ऊपर फर्स्ट, ये हमारी आई इस लाइन के ऊपर सेकंड, ये इस लाइन को कट करते हुए थर्ड। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो सेकंड प्लेस पे पढ़ा है। जो हम स्टार्टिंग में जितने भी जो हमारे कंसोनेंट और वावल हैं वो सब हम सेकंड प्लेस पे यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट प्लेस पे क्या कैसे यूज़ होते हैं और थर्ड प्लेस पे कैसे यूज़ होते हैं। एक वावल हम देख लेते हैं जिससे हम थोड़ी एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। वावल ए, ठीक है। तो ए वावल के लिए जो हमारा सिंबल है वो इस तरह से है, डॉट, ठीक है। लेकिन ये जो डॉट है ये हैवी डॉट है। इसमें भी दो तरह के जो है वो सिंबल्स यूज़ होते हैं। एक तो होगा हमारा लाइट, एक होगा डार्क।
डार्क के लिए आपको स्ट्रेस ज़्यादा देना पड़ेगा पेंसिल पे, जब आप कुछ लिख रहे हैं तो टाइट मतलब हैवी पेंसिल स्ट्रेस देके लिखना होगा आपको। लाइट के लिए आपको इस तरह से डॉट लगाना होगा, छोटा सा डॉट, ठीक है, इस तरह से डॉट। और ये जो ए वावल है ये हमारा है हैवी डॉट। जैसे कि हम कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे अगर हमें लिखना हो एप तो उसमें ए यूज़ हो रहा है, तो ये ए जो है वो ये वाला सिंबल यूज़ होगा, यानी कि हैवी वाला डॉट जो है वो यूज़ होगा एप में। उसी तरह अगर हमें लिखना हो एप, या हमें लिखना हो एड, या हमें लिखना हो डे, तो इन सारे वर्ड्स में ये हमारा हैवी वाला जो है वो यूज़ हो रहा है वॉवल, ये आपने याद रखना है। क्योंकि लाइट के लिए अलग सिंबल है और डार्क के लिए अलग सिंबल है, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि लाइट कौन सा है हैवी कौन सा है। इसमें अगर हैवी साउंड ए की ज़्यादा आवाज़ आ रही तो समझ लेना कि अभी इसमें हैवी यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्ड बनता कैसे है। जैसे कि अगर हमें लिखना हो पे, ठीक है, पा के लिए अभी आपने सिंबल पढ़ा कि ये हमारा जो सिंबल है वो पा के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, पा के लिए है, तो पा हम लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि ये एक लाइट है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपने याद रखना है, लाइट स्ट्रोक है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब पा के लिए तो ये हमारा यूज़ हो गया, और अब अगर हम देखें ए, इसमें ए की आवाज़ आ रही है और ए जो है वो स्ट्रेस दे के आ रहा है, मतलब थोड़ा लंबा यूज़ हो रहा है ए। अगर हम देखें ना पा और पे, दोनों में फ़र्क है, ये हमारा आया लाइट, क्योंकि इसमें आ जो है वो लिटल मतलब लंबा जो है वो नहीं खींच रहा, आ की आवाज़ लंबी नहीं खींच रही, ठीक है नहीं, लेकिन इस पे में ए की आवाज़ थोड़ी लंबी खींच रही है। जैसे हम छोटा बड़ा देखते थे, छोटा आ और बड़ा, ठीक है, इस छोटे वाले आ में ये मात्रा नहीं आती थी, ठीक है नहीं, क्योंकि ये छोटा इसकी जो गूंज है वो थोड़ी सी है, लेकिन बड़ा आ से आम, क्योंकि इसमें आ बड़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है नहीं, लंबा थोड़ा ए यूज़ हो रहा है। उसी तरह से ये सेम केस यहाँ पे है, अगर ए की आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो हम लाइट यूज़ करेंगे, ए की आवाज़ ज़्यादा आएगी तो उसके लिए हम हैवी यूज़ करेंगे, ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसमें ए में ए की जो है वो स्ट्रेस दे के आवाज़ आ रही है, तो इसमें हम हैवी डॉट यूज़ करेंगे। अगर आपने लिखना पे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे पे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमने लिखना है बे, ठीक है, बे के लिए मैंने आपको सिंबल बताया ये बा, ठीक है, डाउनवर्ड भी है और हैवी साउंड हैवी है, ठीक है, हैवी का मतलब है कि इसको अपन थोड़ा डार्क बनाना है, ठीक है, इस तरह से डार्क बनाना आपने। अब ए की जगह पे पेंसिल ऊपर नीचे नहीं करनी, आपने पेंसिल को थोड़ा स्ट्रेस लगना तो वो ऑटोमेटिकली हैवी, उसमें मोटी लाइन खींचना हो जाएगी तो वो हैवी स्ट्रोक ही लगेगा, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड में है, ये हमारा है बा, बे है तो बा तो यूज़ होगा ही, ए हमारा वो स्ट्रेस वाला है तो इसमें हम ए इस तरह से डार्क बनाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमें देखना हो डे, तो डे हमारा डा यूज़ हो रहा है, डा के लिए ये हमारा हैवी और डाउनवर्ड, ये हमारा है हैवी, ठीक है, ये हमारा है हैवी, और ए के लिए ए की जो है वो स्ट्रेस दे के आवाज़ आ रही है तो ये हमारा है ए। आई होप कि आपको ये एग्जांपल जो है वो समझ में आई होंगी। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है या किसी कोई क्वेरी है या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे या मेरे टेलीग्राम चैनल जेके स्मार्ट अकेडमी _2305 को फॉलो कर लो, और उस पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी।